प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने अंक के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आमतौर पर अगर यहां से देखें तो आपके पास कुल 5 अंक के लिए क्वेश्चन आएंगे और इसमें से एक अंक का एक एक अंक के दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है जो वो 3 अंक के लिए आएंगे। यानी कि हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से दो क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे और एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। और ये पैटर्न बड़ा फिक्स सा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इसमें से आते हैं। वैसे तो ये चैप्टर काफी लेंथी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें इसकी तैयारी करनी है तो बेहद सिंपल सा एक चैप्टर है। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और सभी कोर्स में एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों की कोड ए में किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं मार्च 2020 में। तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है एक अंक के लिए कि सभी वृत्त डैश होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, ब्लैंक्स है, सर्वांग सम और दूसरा है समरूप। तो पहले बच्चों, आपके पास एक ही क्वेश्चन है, आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैंक है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। तो आप देखें कि अगर हम एक वृत्त लें, एक ये लें तो इनका साइज बड़ा छोटा है लेकिन इनका रूप एक जैसा है, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास समरूप। तो बिल्कुल इजी एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि सभी जो वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास, अगर हम एक क्वेश्चन की और बात करें एक अंक के लिए, तो यहां पे इसमें कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके अक्षेत्रफलों का अनुपात है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन है हमारे पास ए में है 16:81, बी में है 8:18, सी में है 81:16 और डी में है हमारे पास 12:27। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हर साल आता है इस तरह का एक क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास किसका अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और हमें किसका अनुपात निकालना है, अक्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो कह रहे बच्चों, अगर भुजाओं से अक्षेत्रफल पे जाना है तो हम वर्ग कर देंगे इसका। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। तो इसका आंसर आ जाएगा 16:81। तो ये पहला ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर अक्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ और भुजाओं का अनुपात निकालना है तो फिर हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। अगर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो हमें क्या करना है, वर्ग करना है। और अगर अक्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो फिर हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एक अंक के लिए एक और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3 अंक के लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं 3 अंक में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जो 3 अंक में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन आते हैं यहां से, इसमें कहा गया कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे एक
1.2 मीटर प्रति सेकंड किस चाल से चल रही है, कि चाल से चल रही है यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये 3 अंक के लिए हमारे पास आया हुआ है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई की एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास 3 अंक में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसमें जो लड़की की लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है और जो खंभा है उस पर जो बल्ब लगा हुआ है वो 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक खंभा है और इस पे यहां पे बल्ब लगा हुआ है, तो ये हमारे पास जो ऊंचाई है वो कितनी है टोटल 3.6 मीटर। ये हमारे पास खंभा है ए बी और जो लड़की है उसकी जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है, तो यहां पे कहीं पे हम सी डी है जो ये सी डी इसको हम लड़की से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की जो छाया की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा एक बार समझना है क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा गया है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यहां से इधर चल रही है इस तरफ, यहां से इधर चल रही है इस तरफ, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो ये जो बल्ब है यहां पे बल्ब है वो 3.6 मीटर ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि 4 सेकंड के बाद लड़की यहां पे है, 4 सेकंड के बाद लड़की यहां पे है तो उसकी छाया इधर बल्ब लगा हुआ तो छाया उसकी यहां कहीं होगी। मान लो ये इसकी यहां पे छाया, ये इसकी छाया है। तो अब यहां से हम इसको मिला देते हैं और इसको इस तरह से मिला देते हैं, तो ये इसकी छाया है, इसकी ऊंचाई के हिसाब से इसकी छाया होगी और ये ई हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ए बी जो हमारे पास है वो कितना है, ए बी बराबर है 3.6 मीटर, हमने ए बी खंभे को माना और ए पे यहां पे बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब की ऊंचाई 3.6 है, यानी कि ए बी हमारे पास कितना है 3.6 मीटर, और सी डी हमने लड़की की लंबाई को माना है या ऊंचाई को माना है तो सी डी हमारे पास कितना है 90 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में है, जिसको भी मीटर में बना लेते हैं तो सी डी हमारे पास हो जाएगा 90/100 मीटर, या फिर सी डी बराबर है 0.9 मीटर। अब यहां पे हमारे पास बता देंगे आप कि ए बी जो है वो खंभे की ऊंचाई या लंबाई है, ए बी हमारे पास क्या है माना, ए बी खंभे की लंबाई या ऊंचाई, या फिर ऊंचाई, और सी डी है हमारे पास
लड़की की लंबाई। और देखो छाया क्या होगी इसकी, हमें क्या निकालना है, लड़की की छाया की लंबाई। छाया ये लड़की है तो छाया ये होगी हमारे पास, और DE लड़की की छाया की लंबाई। तो कह रहे बच्चों हमें DE का मान निकालना है। अब आप देखिए हमें पता चल गया AB का मान है हमारे पास, CD का मान है हमारे पास, हमें DE का मान निकालना है। अब देखो लड़की की चाल कितनी है, कितनी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यहां पे दे रखी है। अब 4 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच गई होगी, यहां पे आप देखो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई इस चाल से चल रही है, यहां से इस खंभे से इधर, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में वो 1.2 मीटर चलती है। तो 4 सेकंड बाद, सेकंड बाद लड़की द्वारा तय दूरी, या 4 सेकंड में लड़की द्वारा तय दूरी, देखो 1 सेकंड में अगर वो 1.2 मीटर चलती है तो 4 सेकंड में वो कितनी हो जाएगी, 4.8 मीटर दूरी चल जाएगी, यानी कि यहां से वो यहां पहुंच गई। तो ये जो मान है हमारे पास वो 4.8 मीटर है यहां से यहां तक BD, तो हमें BD इसका मान भी पता चल गया कि 4.8 मीटर है। अब आप देखें कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABE ये समरूप है त्रिभुज किसके, CDE के, CDE के क्यों है, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल दोनों में 90 डिग्री का हो गया, ये जो कोण है दोनों में सेम हो गया CDE में भी और ABE में भी। अब जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो ही जाएगा, तो यहां पे जो नियम लगा वो कौन सा लगा, AA कोण कोण समरूपता। यहां पे हमने कौन कौन समरूपता नियम लगा दिया। अब देखो अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भाग कैसे होंगे, समानुपात में होंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि AB, ये AB बटे में CD बराबर है इस बड़ी त्रिभुज के लिए AB और छोटी त्रिभुज के लिए CD। अब बड़ी त्रिभुज के लिए हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट है, बड़ी त्रिभुज के लिए हमारे पास क्या है, BE, बड़ी त्रिभुज के लिए BE और छोटी त्रिभुज के लिए DE, हमें DE का ही मान निकालना है, क्योंकि क्या पूछा गया था, लड़की की छाया की लंबाई, छाया ये है हमारे पास, लड़की की छाया की लंबाई हमें ये मान ली है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लो या तो आप। अब आप देखिए AB, AB है हमारे पास 3.6, CD ये है हमारे पास 0.9, BE आपको ये ध्यान से कर रहे थे तो BE ये हमारे पास 4.8 है और इसको हमने x मीटर माना है, तो BE कितना होगा हमारे पास, BE B है हमारे पास BD प्लस DE, BD 4.8 प्लस x यहां पे आ गया 4.8 प्लस x और DE, DE को हमने क्या माना है, x माना है, तो ये हमारे पास x आ गया। अब हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहां से हो गया 3.6x इसके इसके साथ। अब इसके इसके साथ करेंगे तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 से करनी पड़ेगी, 1.1 इसमें और एक इसमें, 2 के बाद लग जाएगा 72 से 2 और 43 ये आ गया हमारे पास, और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे हम प्लस 0.9x, तो 3.6x माइनस 0.9x बराबर है 4.32। यहां से अगर हम इसको करेंगे कितना रह जाएगा,
2.7x, 3.9 और यहां पे आ जाएगा 4.32, तो x का मान आ जाएगा 4.32 बटे में 2.7। अब आप इसको पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हो और इसी तरह से कैंसिल करना चाहो तो इसी तरह से कैंसिल। देखो यहां पे इसमें दशमलव के बाद दो अंक है तो यहां पे दो पूरे कर लेते हैं। अब ये दशमलव कैंसिल हो गया इसके साथ, नौ पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, 4 36, 7 बज गए और फिर यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8। एक्स का मान आ गया यहां 48 बटे में 30, फिर कैंसिल कर लेते हैं, 6 पे कैंसिल करेंगे, 6 5 और 8, तो एक्स का मान आ गया 8 बटे में 5। तो एक्स सोल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1.6 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। छाया की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.6 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास मार्च 2020 में कोड ए के प्रश्न, कोड बी, कोड सी और कोड डी में इसी तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन तो ये आपके पास फिक्स है कि जिसमें एक तो वो वृत्त के बारे में पूछ रहा है और एक भुजाओं का अनुपात दे के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले या क्षेत्रफल का अनुपात दे के भुजाओं का अनुपात दे दे। दो एक तीन अंक के लिए जो क्वेश्चन बचता है वो पिछले 4 साल का अगर पैटर्न देखो आप देखे आप तो दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारे पास उदाहरण 7 है, 7वां एग्जाम्पल है, तो या तो आपके पास एक्सरसाइज 6.3 के लिए 7वां एग्जाम्पल आ रहा है या फिर एक्सरसाइज 6.3 के लिए इसके लिए क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है या फिर 7th एग्जाम्पल आ रहा है और कुछ भी नया नहीं है। पिछले चारों के चारों साल में हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास मार्च 2020 में चैप्टर 6 से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्च 2020 में हरियाणा बोर्ड में चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि हरियाणा बोर्ड में जो हमारा चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति इसमें से 6 मार्क्स का सिलेबस आता है, यानी कि 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन 4 अंक के लिए आएगा, तो टोटल हमारे पास 6 हो जाते हैं, 6 मार्क्स हो जाते हैं, यानी कि यहां से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 4 अंक के लिए। तो देखते हैं मार्च 2020 में किस तरह के क्वेश्चन चैप्टर 7 से आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोड ए की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो एक अंक के लिए आया हुआ है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, एक अंक के लिए क्वेश्चन था। ठीक इसी तरह से 11वां क्वेश्चन भी एक अंक के लिए है, ये हम कोड ए की बात कर रहे हैं, कोड ए के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहां। 11वां क्वेश्चन भी एक अंक के लिए है, इसमें है कि यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु 3, 4 है, कोई रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु दे रखा है
मान लो हम ये रेखाखंड विधि लेते हैं, तो इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है 3-4, जिसका एक सिरा 7 और -2 है, 7 -2 है। यहां पे इसके दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अभी देखो हम अगर ए मान लें, ये बी मान लें और ये एम मान लें, तो हमें बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पहले बच्चों हम बी के निर्देशांक को क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। अब देखो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाओ ए बी पे, ए बी का मध्य बिंदु क्या बनेगा, 7 + a/2 और -2 + b/2, ये मध्य बिंदु आया, ए बी का मध्य बिंदु हुआ ये। लेकिन ये मध्य बिंदु तो किस क्या दे रखा है, 3-4, यानी कि किसके बराबर होगा ये, 3 और 4 के, यानी कि 7 + a/2 किसके बराबर हुआ, 3 के, और -2 + b/2 ये किसके बराबर हुआ, 4 के। एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर रख दिया और वाई निर्देशांक को वाई निर्देशांक के बराबर, आर पार गुणा की, तो 7 + a = 6, a = 6 - 7, तो a का मान आ गया -1। इसी तरह से यहां पे आर पार गुणा करें, -2 + b = 8, तो b = 8 + 2, तो b का मान आ जाएगा 10। तो जो दूसरा सिरा है उसके जो निर्देशांक है वो क्या हो गया हमारे पास, -1 और 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो एक अंक के लिए ये क्वेश्चन हो, एक एक अंक के दो क्वेश्चन हो। अब इसमें से जो 4 मार्क्स के लिए, जो 4 अंक के लिए क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारे पास 4 अंक के लिए इसमें से क्वेश्चन आया है वो है, ये हमारे पास 26वें नंबर पे क्वेश्चन है कि बिंदुओं -4, 6, बिंदुओं ए है -6 और 10 और बी है 3 और -8, बिंदु -4, 6, बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को उसने ये कहा है कि ये जो बिंदु है -4 और 6 शुरू वाला जो बिंदु है वो विभाजित करता है ए बी रेखाखंड को, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का 4th क्वेश्चन था हमारे पास। तो जब भी हमें अनुपात निकालना हो, देखो अगर अनुपात दे रखा होता तो इसके निर्देशांक पूछते, अगर हम इसको आर मान लें। अब यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको के अनुपात 1 मान लेंगे। अब देखो x1 y1 x2 y2 m1 m2, और हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे तो आर के निर्देशांक आ जाएंगे। लेकिन आर के निर्देशांक तो कितने हैं, -4 और 6, तो उसको -4 और 6 के बराबर रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर रखा है और वाई निर्देशांक को वाई निर्देशांक के बराबर रखा है, तो क्या करेंगे, बराबर रख देंगे और कोई से भी एक पार्ट को सोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। अब हमने अनुपात क्या माना है, अनुपात हमने माना है के अनुपात 1। अब के का जो मान आया वो मान यहाँ पे रख दो, कुछ भी जो मान आता है वो मान रख दो यहाँ पे, अगर वो बटे वाला आता है तो जो भी बटे में होगा उससे हम यहाँ पे जो होगा उससे गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास 4 अंक का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कोड ए से आया हुआ। आगे बढ़ते हैं कोड बी की तरफ। अगर हम कोड बी की बात करें तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो फिक्स रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 10वां 11वां और कौन सा क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर दूसरे कोड की अगर हम बात करें कोड बी की, अगर हम बात करें इसमें एक अंक का एक क्वेश्चन है 10वें नंबर पे, हमारे पास दिया हुआ है कि -5, 7 और -1, 3 दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दूरी सूत्र लगा देंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। नेक्स्ट इसी तरह से जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि यदि एक रेखाखंड का एक सिरा मूल बिंदु है, एक रेखाखंड है जिसका एक सिरा मूल बिंदु यानी कि 0-0 है,
जिसका मध्य बिंदु एक जीरो है, मध्य बिंदु एक और जीरो है, तो क्या करना है, दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, दूसरे सिरे के निर्देशांक हमने ए भी मान लिए, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो जीरो प्लस ए बटे में दो और जीरो प्लस बी बटे में दो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास एक और जीरो। देखो हम शॉर्ट में कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज को पूरे चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूं, तो ये आपको शॉर्ट में सब समझ में तभी आएंगे जब आपने चैप्टर अच्छी तरह से कर रखा होगा। तो पहले आपने चैप्टर करना है अच्छे तरीके से, फिर इनको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। अब यहां से देखो, ये हुआ हमारे पास ए बटे में दो और ये बी बटे में दो बराबर है एक और जीरो के, ए बटे दो एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर रख दिया और बी बटे में दो वाई निर्देशांक को वाई के, आर पार गुणा की तो ए का मान कितना आ गया दो, आर पार गुणा की तो बी का मान कितना आ गया जीरो, ए हमारे पास दो हो गया और बी जीरो हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर। तो एक अंक के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से अगर हम 26वां क्वेश्चन देखें बी कोड में, बी कोड में हमारे पास 26वें नंबर पे क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 माइनस 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो 4 माइनस 3 और 8 और 5 इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को, अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें, किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 में। थोड़ा सा इधर कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3:1 में विभाजित करता है। तो आर के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है आंतरिक, आपके जो सिलेबस है उसमें आंतरिक विभाजन ही है, बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो x1 y1 x2 y2 m1 m2, तो सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र अप्लाई कर सकेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है जो वो इसमें पूछ लिया गया। तो ये हमारे पास हो गए कोड बी के क्वेश्चन। तो सेम ही रहा पैटर्न, कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है हमारे पास। अगर हम कोड सी के क्वेश्चन की बात करें, तो कोड सी में हमारे पास 10वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, अब हम कोड सी की बात कर लेते हैं, इसमें जो 10वें नंबर पे क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है -1 5 और 7 3, ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसी तरह से सेम पैटर्न है, 11वें नंबर पे भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। 11वें नंबर पे कहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है और ये वृत्त का व्यास ए बी है, जिसका केंद्र 2 -3 है, 2 और -3 है, और बी के निर्देशांक रखे हैं 1 और 4। देखो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। ये हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब ए के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। अभी देखो मध्य बिंदु होगा ना, जो केंद्र है इसका, एक व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो फॉर्मूला लगा दिया मध्य बिंदु का, ए प्लस 1/2 और बी प्लस 4/2। तो ये मध्य बिंदु आ गया, मध्य बिंदु तो केंद्र होता है, तो कितना दे रखा है ये 2 और -3, ये दे रखा है हमारे पास 2 और -3। तो क्या करें हम, इसको इसके बराबर रख के ए का मान निकाल लेंगे और इसको इसके बराबर रख के बी का मान निकाल लेंगे। यहां पे ए प्लस 1/2 इसके बराबर हो जाएगा 2 के, और बी प्लस 4/2 ये किसके बराबर हो जाएगा -3 से। इसको सोल्व करेंगे, इधर आ जाएगा 2 × 4 और ये एक इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 1 3 आ जाएगा, तो ए का मान 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, तो -6 हो जाएंगे, और 4 इधर आके -4 हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा -10। ए का मान आ जाएगा हमारे पास 3 और बी का मान आ जाएगा -10। तो बिल्कुल जैसे हमारा 11वां क्वेश्चन इसमें था, उसी तरह से मध्य बिंदु सूत्र के हिसाब द्वारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इसी तरह से 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 26वें क्वेश्चन में सी कोड में क्या नया आया है, ये कुछ भी नया नहीं है। तो 26वें क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदुओं -3
दस, छह और माइनस आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस एक छह किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अनुपात हमें बताना है। 26वां क्वेश्चन सी कोड के लिए है कि बिंदुओं माइनस तीन दस और दूसरा है छह माइनस आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो बिंदु है माइनस एक छह वो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो वही हमारे पास हम क्या मान लेंगे कि अनुपात ए में एक में विभाजित करता है। ए लिख लेते हैं, ये बी लिख लेते हैं, ये आर। तो आर के निर्देशांक निकाल देंगे विभाजन सूत्र से और उसको किसके बराबर रख देंगे माइनस एक और छह के। एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर रखेंगे, वाई निर्देशांक को वाई के बराबर रखेंगे और सोल्व कर देंगे, ए का मान आ जाएगा अनुपात। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नई बात इसके अंदर नहीं आई है। नेक्स्ट अगर हम डी कोड की बात करें, डी कोड में तो दोनों ही क्वेश्चन टेंथ नंबर पे जो क्वेश्चन है फोर डी, इसमें एक माइनस तीन और चार और एक दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बढ़िया आसानी से आप कर दोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इजी कर दिया। इसमें कहा गया है कि रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके सिरे सिरे दे रखे हैं चार पांच और दो माइनस एक है। तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ये ए ये बी एम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल, बिल्कुल ओवरऑल हो जाएगा। चार और दो छह बटे में दो तीन आ जाएगा, ये हमारा तीन हो गया और पांच माइनस एक चार बटे में दो दो, तो ये हमारा आंसर ही आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये, तो बाकी पार्ट में तो फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, यहां तो हम इसको ओरल कर सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। ठीक इसी तरह से अगर हम 26वें क्वेश्चन की तरफ चलें, तो 26वां क्वेश्चन हमारे पास 26वें क्वेश्चन में कहा गया है फोर डी में वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए एक माइनस पांच और बी माइनस चार पांच को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड एस अक्ष से विभाजित होता है। इसको विभाजित कौन करता है? एक्स अक्ष। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तब जब इसको एक्स अक्ष काट रहे तो वो जो पॉइंट जहां पे एक्स अक्ष काटेगा वो जो पॉइंट होगा उसको अगर हम आर दे नाम तो ये ए और जीरो टाइप का होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक क्या होता है? जीरो होता है। ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। अब देखो क्या, एक तो ये कहा कि क्या करना है हमें इस बिंदु के पहले तो अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के बाद इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। एक्स अक्ष पे जो बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब देखो हमने मान लिया कि अनुपात एक, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम वन एम टू और विभाजन सूत्र लगा देंगे किसके निर्देशांक आगे आर के, लेकिन आर कहां पे है? एक्स अक्ष पे, तो इसके बराबर रख देंगे इसको, तो एक्स निर्देशांक ए के बराबर हो जाएगा और वाई निर्देशांक बी जीरो के बराबर हो जाएगा। अब वाई निर्देशांक वाला हिस्सा सोल्व करेंगे क्योंकि ये जीरो है, क्योंकि ना तो हमें ए का पता और ना के का पता, तो y निर्देशांक बड़ा जीरो के बराबर रखेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर पार गुणा करेंगे तो k का मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा तो अनुपात आ जाएगा, और जब k का मान आ जाएगा तो x जो x निर्देशांक है वो a के बराबर रख रखा है, तो x निर्देशांक में k का मान रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? a का मान आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x अक्ष पे उस बिंदु का पता, इसके अंदर रख देंगे a का मान तो x अक्ष पे उस बिंदु का भी हमें पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास मार्च 2020 में चैप्टर 7 से हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्कशन की है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो हमारे फॉर्मूले हैं, जो हमारे चार फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि इसमें चौथा फॉर्मूला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला तो कहीं यूज भी नहीं हुआ, तीन फॉर्मूले में ही सारे के सारे क्वेश्चन हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन तीन ही फॉर्मूले में कवर हो गए हमारे। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, एग्जाम के हिसाब से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेहद ज्यादा इजी, बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग और एग्जाम वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।
प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8। 8 चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। प्यारे बच्चों, अगर बात करें चैप्टर 8 की, तो ये जो चैप्टर है कक्षा 10 के लिए ही नहीं, कक्षा 10 के बाद जो विद्यार्थी आगे मैथ्स की स्टडी जारी रखना चाहते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो 10+1 क्लास, 10+2 क्लास या आगे की क्लासेस में, हायर क्लासेस में भी मैथ्स की स्टडी को जारी रखना चाहते हैं, मैथ्स एक विषय के रूप में चूज करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कक्षा 10 की बात की जाए तो यहां से आपका 10 अंक के लिए जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आएंगे। अब 80 अंक में से 10 अंक के लिए अगर प्रश्न आपके एक चैप्टर में से आ रहे हैं तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की आप जितने अच्छे से तैयारी करें उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि आपके पास एक्सरसाइज 8.3 जो है वो सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप एक्सरसाइज 8.3 को भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक्सरसाइज 8.4 और थोड़ा बहुत चैप्टर 9 में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी अगर आपने ये नहीं किया। दूसरी बात कि आगे की स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए भी आपको इसकी समझ होनी चाहिए। तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि बहुत ज्यादा से क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 में नहीं है तो आप अपना देखो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, जब हम 8.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें 8.1 में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स पढ़े हैं उनका यूज हो रहा है, तो जब 8.3 पे हम पहुंचे तो 8.1 और 8.2 का भी यूज हुआ। तो ठीक इसी तरह से जब हम 8.4 में पहुंचेंगे तो यहाँ पे 8.1, 8.2 के साथ साथ 8.3 भी यूज होगी। तो आप एक जो रिदम है, जो एक लय है, जो एक ताल है ट्रिग्नोमेट्री को करने की, उसको ना तोड़े। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप 8.3 एक्सरसाइज को भी ठीक उसी तरह से अच्छे से तैयार करें जैसे आप बाकी एक्सरसाइज को कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब फाइनल एग्जाम के लिए बैठे तब उसको जब तैयारी करें तो उसमें ना उसको शामिल करें, लेकिन जब आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा ही सिलेबस एक बार जरूर करना चाहिए। और 8.3 तो आपको विशेषकर 3-4 बार करनी चाहिए, क्योंकि ये आगे आपकी आगे की स्टडी, हायर स्टडी में भी बहुत रोल प्ले करने वाली है। तो इसको आप मेरे हिसाब से अगर ना छोड़े तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि मार्च 2020 में चैप्टर 8 से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम बात करें कि वेटेज की, तो यहां से 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आते हैं आमतौर पे जो पैटर्न है, दो क्वेश्चन एक एक अंक के और एक क्वेश्चन 3 अंक का और एक क्वेश्चन 5 अंक के लिए आता है। तो सेम यही इसी प्रकार का जो पैटर्न है यहाँ पे मार्च 2020 में भी फॉलो किया गया है। हमने कोड ए के क्वेश्चन लिए हैं, तो कोड ए बी सी डी सभी में एक ही प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां से हमने कोड ए के क्वेश्चन लिए हैं। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है हमारे पास कि टेंजेंट 65 डिग्री डिवाइड बाय कोट 65 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए फिर यही बात आ गई कि ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 से एक क्वेश्चन है। अब आपके विवेक पे है कि आप इसको छोड़ना चाहेंगे या करना चाहेंगे, फिर भी हम एक बार इसको कर लेते हैं। अब देखो टेंजेंट और कोट, और देखो 65 और 25, अगर हम इसको प्लस करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये पूर्व कोण हो गए। तो पूर्व कोणों के हिसाब से हम इसको, अगर मैं इसको टेंजेंट 65 को 90 में से माइनस करूं तो यहां पे मुझे 25 लिखना पड़ेगा, और इसको ऐसे ही रहने देता हूं। तो कह रहे बच्चों, आप देखेंगे टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, थीटा हमारा कितना है 25 डिग्री, और नीचे भी कोट 25 डिग्री ही है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हमारी एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चन है। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं,
ये एक अंक के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन था, एक अंक के लिए एक क्वेश्चन और है कि साइन ए हमारे पास दिया हुआ है 3/4, तो कोस ए का मान बताना है। तो क्योंकि अब एक अंक के लिए क्वेश्चन है तो फास्ट कर सकते हो आप इसको। अब आप देखें कि एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं और हम ट्रिक लिख लेते हैं साइन कोस टेंजेंट। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो क्या लिख लेंगे, एल ए एल के ए। तो ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। अब इसके हिसाब से हमारे पास देखो साइन ए, तो यहां पे हम ए लिख लेते हैं, यहां बी और ये सी। साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो हमें आधार निकालना है। देखो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको थोड़ी देर के लिए अगर x मान लें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3² इज इक्वल टू 4² तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 16 तो एक्स स्क्वायर 16 माइनस 9 तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 7, एक्स आ जाएगा वर्गमूल 7। तो यहां पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 7। अब हमें कोस ए का मान निकालना है, कोस ए क्या होगा हमारे हिसाब से, आधार बटे में कर्ण। तो कोस ए आधार हमारे पास कितना है, आधार यह है आधार हमारे पास वर्गमूल 7 और कर्ण है हमारे पास 4, तो वर्गमूल 7 बटे में 4। ये आप देख लें इसमें कहां पे है, वर्गमूल 7 बटे में 4 ये आ गया हमारे पास, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक और ये क्वेश्चन हो गया एक अंक के लिए। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 3 अंक के लिए है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 3 अंक के लिए है। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास सीकेंट ए 1 - sin A इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, इसको हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास सीकेंट ए इंटू 1 - sin A और ये सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। प्यारे बच्चों देखो इसको हम सारे को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारे काम को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे ये 1/cos कोस ही हो जाएगा क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल है, कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाए गए हैं और उनका यूज सिखाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख ले, आपको पूरा चैप्टर का जो सार है, जो समरी है, वो पता चल जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहां से हमने इसको 1/cos लिख दिया, ये 1 - sin A। यहां पे हम इसको लिखते हैं कि ये 1/cos A और प्लस ये sin A/cos A। तो प्यारे बच्चों हमने इसको इस तरह से लिख दिया, तो ये हो गया 1/cos A, ये है हमारे पास 1 - sin A, ये मल्टीप्लाई है सबकी और ये है हमारे पास, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ये हमारे पास कोस ए आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 + sin A। तो प्यारे बच्चों देखो ऊपर आ गया 1 - sin A और ये 1 + sin A और नीचे आ गया हमारे पास कोस ए इंटू कोस ए। अब आप देखेंगे 1 - sin A 1 + sin A, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर और ये साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हमारे पास कोस स्क्वायर ए हो गया, कोस ए और कोस ए, कोस ए का स्क्वायर हो गया जिसको हम लिखते हैं कोस स्क्वायर ए। अब यहां पे हमारे पास ये हो गया 1 - ये हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। पहले बच्चों हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर ए लिखें
तो ये होता है वन माइनस कोस स्क्वायर ए, और अगर कोस स्क्वायर ए लिखें तो ये होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसको इधर ले आएंगे तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो ये रहा हमारे पास, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना है, लिख देंगे कैंस प्रूव। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जो कितने अंक के लिए आया हुआ है, तीन अंक के लिए आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन है जो कि आपके पास 5 मार्क्स के लिए आया है, दोनों ही क्वेश्चन 8.4 एक्सरसाइज से आए हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो 8.3 से आया है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो 8.1 से आया हुआ है। शुरू के ही क्वेश्चन इस तरह के हैं हमारे पास, तो 8.1 से आया हुआ है, 8.3 से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 8.4 से, 3 मार्क्स का भी यहीं से और 4 मार्क्स का भी यहीं से, सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहीं से आया हुआ है। तो आइए देखते हैं जो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो ये भी एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए हमें थोड़ी जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो अब हम इसको हटा देते हैं। इसको ऊपर लिख लेंगे, यहां पे हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन था जो 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है वो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन, दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो कह रहे बच्चों ये हमें प्रूव करना है। यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि एक्सरसाइज 8.4 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पहले एक बार कर रखे हैं तो उनको करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर आपने एक बार पहले नहीं किए हुए तो उनके लिए कुछ लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, पहले बच्चों हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन और साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन। तो अब हम करें कि जो अंश है और हर दोनों को, अंश और हर दोनों को कोस थीटा से भाग करने पर, अंश और हर दोनों को कोस थीटा से भाग कर दिया तो देखो क्या बन जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय कोस थीटा। यहां पे साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा और वन डिवाइड बाय कोस थीटा। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा कट के वन आ गया, माइनस वन डिवाइड बाय कोस थीटा, कोस और सीकेंट थीटा उसमें रेसिप्रोकल होते हैं तो यहां पे हम लिख देंगे सीकेंट थीटा डिवाइड बाय यहां पे साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा कट जाएगा वन प्लस वन बाय कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि हमने कोस थीटा से क्यों डिवाइड किया। अब आपके पास देखो राइट साइड में हमारे पास सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा है। देखो हमारे पास जो अब जो कोस थीटा से डिवाइड करने के बाद जो टर्म्स आई हैं उसमें या तो वन है या फिर टेंजेंट थीटा है या फिर हमारे पास सीकेंट थीटा है, तो इस वजह से हमने कोस थीटा से डिवाइड किया है। अगर यहां कोसिकेंट और कोट होता तो फिर हम साइन से डिवाइड करते, अगर कोसिकेंट और कोट होता तो फिर हम इसको साइन से डिवाइड करते अंश और हर को। अब आगे बढ़ते हैं, देखो न्यूमरेटर में वन है यानी कि यह सारा कटना चाहिए, यानी कि ये सारा कटना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है। अब आप देखेंगे कि हम जानते हैं है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा
कितना होता है, वन होता है। तो हम सीकेंट स्केयर थीटा प्लस टेनर स्केयर थीटा को भी वन लिख सकते हैं और वन को भी ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यहां पे टेंजेंट थीटा प्लस वन माइनस सीकेंट थीटा डिवाइड बाय, यहां पे देखो टेंजेंट थीटा ऐसे ही रहने दो प्लस सीकेंट थीटा आगे लिख दिया और माइनस वन पीछे लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब आप देखें यहां पे आप चाहे तो यहां पे इसको भी ऐसे कर लेते हैं लेकिन बाद में कर लेंगे हम। अब यहां देखो इस वन की जगह पे, इस वन की जगह पे हम ये लिखेंगे। देखो इसमें क्या चेंज रहेगा, टेंजेंट थीटा प्लस वन माइनस सीकेंट थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस। अब देखो ये लिखना है तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये क्या है, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो क्या लिखा, टेंजेंट थीटा प्लस वन माइनस सीकेंट थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये तो अलग पार्ट है, माइनस। अब यहां आप देखें कि ये जो पार्ट है इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर की तरह सोचे तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस पर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ए माइनस बी लिख दिया हमने और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ए प्लस बी लिख दिया हमने। अब आप देखिए ऊपर है टेंजेंट थीटा प्लस वन माइनस सीकेंट थीटा, यहां से कुछ कॉमन आया, देखो ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसा तो है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा या सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एक ही तो बात है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, ये वाला पार्ट हम कॉमन ले लेते हैं, इसको टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिख दो या सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा लिख दो, तो यहां से हमने इसको कॉमन ले लिया क्या, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अंदर देखो ये तो सारा बाहर चला गया, वन बच गया, यहां से ये बचा और माइनस बचा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का तो सीकेंट थीटा रह जाएगा और प्लस का टेंजेंट थीटा हो जाएगा। मेरे बच्चों ये हमने दोनों से कॉमन लिया है, तो ये जब कॉमन लिया बाहर टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यहां पर देखो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यहां से वन बच गया, यहां माइनस और ये बचा, तो माइनस का सीकेंट थीटा और प्लस का टेंजेंट थीटा होगा। अब ये देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, ऊपर वाला है टेंजेंट थीटा प्लस वन माइनस सीकेंट थीटा। अब यहां से मैं इस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टू प्लस थ्री और थ्री प्लस टू तो एक ही बात होती है। यहां से अब देखो टेंजेंट थीटा ऊपर ये रहा हमारे पास टेंजेंट थीटा, पहले लिख दिया सबसे प्लस वन, ये ना देखो वन प्लस का ये प्लस का वन, और सीकेंड थीटा माइनस का, ये रहा हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस का। तो प्यारे बच्चे ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, वन डिवाइड बाय सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस टू। तो प्यारे बच्चे ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में फाइव मार्क्स के लिए आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही आपका मैथ विषय के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं मार्च 2020 में किस तरह के जो क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 9 से आए हुए हैं, चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों एक ही एक्सरसाइज है इसमें और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका जो पैटर्न भी है लगभग एक ही पैटर्न है। तो यहां से प्यारे बच्चों चैप्टर 9 से आपके एग्जाम में 5 अंक के लिए क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है 5 अंक के लिए। और इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो क्वेश्चन होगा
चैप्टर 8 से जो क्वेश्चन आता है उसके साथ आमतौर पे और में आता है, यानी कि अथवा में आता है, यानी कि 5 अंक के लिए जो क्वेश्चन होगा इसमें आप चैप्टर 8 में से जो क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हैं, या फिर चैप्टर 9 में से जो ये इस टाइप का क्वेश्चन है इसको भी आप कर सकते हैं। अगर चैप्टर 8 की बात करें तो यहां से चैप्टर 8.4 से होता है आमतौर पे क्वेश्चन वो, या फिर मतलब 5 अंक का जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में से, या तो चैप्टर 8 में से 8.4 एक्सरसाइज से, या फिर चैप्टर 9 में से 9.1 एक्सरसाइज से, एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो आपके पास आप अगर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन करना चाहे तो 8.4 का कर सकते हैं। अगर वो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है उसको, तो आप चैप्टर 9 से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर 9 से किस तरह का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप इसकी स्टेटमेंट को देख के घबरा मत जाना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि आपको इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लगे और एक बार में ये समझ में ना आए, तो आप क्या करेंगे, एक बार और इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं एक बार कि इसकी जो स्टेटमेंट है एक बार फिर पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है जो कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहां से कितनी ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है उसको देखते हैं, यानी कि ये मान लो यहाँ पे जो गुब्बारा है वो ये कितना है 88.2 मीटर, इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को वो देखती है। अब यहां से देखती है तो उसमें कहा गया है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से लड़की की आंख यहां पे होगी, तो जो गुब्बारे का उन्नयन कोण है, गुब्बारे का वो कितना है 60 डिग्री है, तो ये जो कोण है 60 डिग्री है, तो इसके हम क्या करते हैं क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल यहां से ड्रा कर लेते हैं, तो ये जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, तो यहां पर कितना है ये कोण 60 डिग्री है। उसके बाद कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय के बाद जो उन्नयन कोण है वो घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि जो उन्नयन कोण है वो कम हो जाता है। तो यहां पूछा गया है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस अंतराल में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, अब ये मान लेते हैं कि गुब्बारा यहां पे आ गया। अब जब गुब्बारा यहां पे आ गया ऊंचाई तो उसकी उतनी रही, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल चला हुआ, तो वो गुब्बारा यहां की बजाय यहां आ गया। तो यहां पे जब वो गुब्बारा आ गया तो अब इस लड़की की आंख से जो ये उन्नयन कोण है तो वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये जो कोण है हमारे पास वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। गुब्बारा है तो ये जो जगह है, ये जो हम इसको अगर
इसको हम पी क्या लिख लेते हैं, इसको हम आर और एस लिख लेते हैं। तो ये जो पी पोजीशन है गुब्बारे की है, यहाँ पे आर पोजीशन बाद में गुब्बारे की पोजीशन है हमारे पास। और ये जो पी क्या है या फिर जो ये आर एस है, ये गुब्बारे की ऊंचाई है, ये कितनी है 88.2 मीटर, ये गुब्बारे की ऊंचाई है। अब पहले तो ये हमें बता दें कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यानी कि पहले पी पोजीशन पे था, अब ये आर पोजीशन पे है, तो पी से आर तक ये जो दूरी है, तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है पी आर, ये हमें ज्ञात करनी है। ये हमारे पास पी पॉइंट है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आपको ठीक से नजर आ जाएगा। तो पी से आर हमें पी आर ज्ञात करना है कि पी आर दूरी कितनी है। तो प्यारे बच्चों अब यहां से देखो हम लिख लेते हैं कि माना लड़की की लंबाई या ऊंचाई हम किससे लिख रहे हैं, एबी से। एबी कितनी है 1.2 मीटर, एक तो ये बात है। और ये मान लेते हैं तथा माना गुब्बारा आरंभ में पी बिंदु पर था, तथा कुछ समय बाद, तथा कुछ समय बाद गुब्बारा कहां पे आ गया, आर बिंदु, आर बिंदु, आर बिंदु पर था। तो पहले हमने क्या मान लिया कि वो पी बिंदु पे था, और उसके बाद किस बिंदु पे था, आर बिंदु पे। तो अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा जो तय दूरी है वो कितनी है, पी से आर, यानी कि पी आर। हमें पी आर का मान ज्ञात करना है, हमें क्या मान ज्ञात करना है, पी आर का मान ज्ञात। अब आप देखते हैं ये पी क्या हो आर एस, इसको हम टी मान, इसको हम क्या करते हैं टी मान। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक तो ट्रेंगुलर एबी दूरी है, इसमें आप देखें कि हमारे पास एबी का मान कितना है, एबी 1.2 मीटर। और क्या है हमारे पास पी क्या हो, पी क्या हो का मान और आर एस का मान, आर एस इन दोनों का मान कितना है हमारे पास, आर एस का मान भी हमारे पास कितना है 88.2 मीटर। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास मान है ए से बी तक का, ये हमारे पास ये और ये तो बराबर होगा, यानी कि ए बी और टी क्या हो, टी क्या हो बी, ये भी हमारे पास कितना है 1.2 मीटर। तो ये अगर हमारे पास 1.2 मीटर है तो पी टी कितना बचेगा, पी टी, ये देखें आप पीटी। अब ये टोटल तो हमारे पास 88.2 मीटर है और ये हमारे पास 1.2 मीटर है, तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर अगर हम माइनस कर दें तो 87 मीटर, ये जो है हमारे पास पीटी कितना है 87 मीटर है, आपको ये ध्यान रखना। अब आप देखें कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें, इस त्रिभुज में, कौन सी पी टी ए में हमारे पास ट्रिक क्या है, साइन कोस टेंजेंट एल ए एफ ए के ए, तो ये यूज कर लेते हैं, लंब बटा आधार बराबर टेंजेंट थीटा। लंब देखो हमारा क्या है, लंब ये है हमारे पास पी टी और आधार कितना है ए टी, तो पी टी बटे में ए टी बराबर है टेंजेंट थीटा। अब इस थीटा देख रहे हैं कितना, पीटी का मान कितना है, पीटी, पीटी है हमारा 87, एटी, एटी का मान हमें निकालना है, और टेंजेंट थीटा ये देखिए टेंजेंट कितना था, थीटा कितना था इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए हमारा जो थीटा था वो 60 डिग्री था, तो टेंजेंट 60, तो ये होता है वर्गमूल 3। अब आप देखेंगे जब आप इसकी आर पार गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 गुणा में 80 ये कितना आ जाएगा 87,
तो 80 का मान कितना आ जाएगा, 87 बटे में वर्गमूल 3। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, वर्गमूल 3 को नीचे निचोड़ते तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 87 गुणा में वर्गमूल 3 और बटे में यहां पे 3 हो जाएगा, 3 पे कैंसिल करेंगे 3 एक 3, 3 गुणे 6 और 3 में 27, तो ये आ गया 27 वर्गमूल 3। तो यहां पे हमारे पास किसका मान आ गया, 80 का मान, यहां पे हमारे पास किसका मान आ गया, 80 का मान आ गया। यहां तक तो हम इस बात पर पहुंचे, अब अगर आगे बढ़ते हैं, 80 हमें मिल गई। अब जो दूसरी त्रिभुज है हमारी, उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी त्रिभुज कौन सी है हमारी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेम में आएगा कि नहीं, ठीक है। समकोण त्रिभुज दूसरी देखो हमारे पास, एंगल हमारा आपकी बार ये है, तो दूसरी हम यहां ये देखते हैं, ये त्रिभुज हम लेते हैं दूसरी समकोण, ये और एस टी यू मान लेते हैं, तो दूसरी हमारी समकोण त्रिभुज ये आ, कौन सी, ए यू आर, ए यू आर में, ए यू आर में देखो लंब है हमारे पास आर यू बटे में, आधार है हमारे पास ए यू, ए यू बराबर है हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास आर यू और आधार है हमारे पास ए यू, बराबर है टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 डिग्री आर यू, आर यू का देखो आपके पास आर यू और पीटी, देखो ये हमारे पास पीटी, पीटी कितना है हमारे पास, पीटी 87 है, तो आर यू भी तो 87 ही होगा, तो पीटी और आर यू बराबर है हमारे पास, पीटी क्योंकि 87 है तो आर यू भी कितना है, 87 मीटर है, 87 मीटर, तो आर यू 87, ए यू हमें निकालना है और ये एक बटा वर्ग होती है, तो कह रहे बच्चों आर पार गुणा करेंगे तो ए यू कितना आ जाएगा, 87 वर्ग 3 मीटर। तो अब आप देखें आपके पास ए यू का मान है, ए यू आपके पास 87 वर्ग 3 है, और आपने क्या निकाला है, गुब्बारे द्वारा तय दूरी पी आर, तो आप देखें पी आर ये आपके पास टोटल कितना है, 87, और ये आपके पास कितना है, 80 कितना है, 27, ये पूरा का पूरा तो आपके पास 87 है, ये आपके पास 27 है, तो आप टी यू का मान निकाल सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि टी यू ये पूरा है जो ए यू माइनस और ये एटी, तो टी यू ए यू है हमारे पास 87 वर्गमूल 3 माइनस 80 है हमारे पास 27 वर्गमूल 3, तो टी यू हमारे पास कितना आ गया, टी यू देखो वर्गमूल 3 तो दोनों में है, तो हमें क्या करना है, 87 वर्गमूल 3 में से 27 वर्गमूल 3 कितने माइनस कर देंगे, तो 87 में से जब 27 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 वर्गमूल 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे, आप यहां से देखेंगे कि TU, जो TU है यही तो PR के बराबर है, तो TU और PR बराबर है, तो इसलिए क्योंकि TU बराबर है PR, बराबर है कितना आ गया, 60 वर्गमूल 3, अतः गुब्बारे द्वारा जो तय दूरी है हम लिख सकते हैं, एक अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर है कितनी आ जाएगी, 60 वर्गमूल 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ, प्यारे बच्चों यहां से हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये 29 वर्गमूल 3 था, 27 हमने गलती से लिख दिया है, तो यहां पे ये हम 29 वर्गमूल 3 कर ले,
वर्गमूल के। तो बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जब हमने लास्ट कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे जब हमने इसको माइनस किया था, यहाँ पे TU AU माइनस AT, तो AT का मान हमारे पास 29 वर्गमूल में आया था, तो 27 की जगह पे हम 29 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 बढ़ जाएंगे यहाँ पे, 29 वर्गमूल 3, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 कम हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 58। तो ये पहले से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, इसको हम कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 58 वर्गमूल 3। अब यहाँ पे के टी यू और पी आर इक्वल है, तो ये दोनों ही हमारे पास कितने हो जाएंगे, 58 वर्गमूल 3। हमारे पास जो तय दूरी है गुब्बारे द्वारा जो तय दूरी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 58 वर्गमूल 3 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो कह रहे बच्चों आपने देखा कि यहां पे हमारे पास लड़की की लंबाई कितनी थी, गुब्बारा जितनी ऊंचाई पे उड़ रहा था उसके बारे में हमें बताया गया था, उसका उन्नयन कोण हमें बताया गया था कि कुछ देर बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है। अब ये हमने सिचुएशन यूज की तो इसको प्लॉट कर लिया। अब यहां से एक तो त्रिभुज हमारे पास ये थी, इसमें टेंजेंट थीटा बराबर है लंब या धारा का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और एक हमारे पास त्रिभुज थी ए यू आर, इसमें भी यही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और सोल्व कर दिया। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो AB है ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, और जो AU है वो BS के बराबर भी है, जो AT है वो BQ के बराबर भी है, जो TU है वो QS के बराबर भी है, और वो PR के बराबर भी है। तो इन कंडीशंस को हमने यूज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व किया। तो कह रहे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो मार्च 2020 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 9 से, वो कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।